दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स एंड सिडनी थंडर के बीच में जो नेक्स्ट बिग बैश का मैच खेला जाएगा वहाँ पे पिच कंडीशन आपको कुछ ऐसा दिखने वाले हैं जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम को कंपेटिटिवली ज़्यादा हेल्प मिलता है एंड पेसर्स को थ्रू आउट द मैच आपको अच्छा खासा मदद मिलते हुए दिखेगा। स्पिनर्स गेम में आते हैं बट सिर्फ सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स के लिए उतना कुछ खास इस पिच पे रहता नहीं है, बट पेसर्स फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, दोनों इनिंग में ही अच्छा खासा विकेट्स निकालते हैं। ध्यान रखिएगा राशिद खान जैसे बॉलर्स का, जो कि फर्स्ट इनिंग में भी थोड़ा बहुत इफेक्टिव होते हैं एंड सेकेंड इनिंग में इस पिच पे काफ़ी घातक साबित होते हैं। बात करेंगे दोस्तों वेन्यू के बारे में, तो एडिलेड ओवल एडिलेड के ग्राउंड पे ये मैच खेला जाएगा जहाँ पे 57 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 35 टाइम्स तो बैटिंग सेकंड करने वाला टीम 22 टाइम्स जीते हैं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 166 का रहा है। स्कोरिंग पैटर्न पर एक नज़र मार लेंगे तो 150 के नीचे 14 बार बना है, 150 टू 170 के बीच में 15 बार, 170 एंड 190 के बीच में 21 बार बना है एंड अबव 190 सिर्फ 7 बार गया है। तो इस मैच में भी आप 150 टू 190 के बीच में स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि फास्ट बॉलर्स एंड मीडियम फास्ट बॉलर्स का एवरेज सबसे कम है इस पर्टिकुलर वेन्यू पे, उसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर्स एंड लेग ब्रेक बॉलर्स आ जाते हैं। चाइनामैन बॉलर का एवरेज इस पर्टिकुलर वेन्यू पे सबसे ज़्यादा होता है। अब दोस्तों इस वेन्यू पे कुछ बेहतरीन प्लेयर्स के बारे में बात कर लेंगे, तो जे विदलैंड यहाँ पे देखिए 35 इनिंग्स में 1045 रन्स बना चुके हैं एवरेज 31 का। जे विल्स थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पे, 36 का एवरेज रखते हैं। जे विदलैंड का स्पेशल स्टैट्स में जब हेड टू हेड मैचेस डिस्कस करूंगा तब और भी बेहतरीन तरीके से आपको बता पाऊंगा। एलेक्स हेल्स यहाँ पे 38 का एवरेज रखते हैं, ध्यान रखिएगा, और मैथ्यू शॉट का यहाँ पे 19 का एवरेज है। दोस्तों राशिद खान इस पर्टिकुलर वेन्यू पे हाईएस्ट विकेट टेकर है एंड पीटर सिडिल है सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर 41 विकेट्स के साथ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि राशिद खान का इस पर्टिकुलर वेन्यू पे काफ़ी एक्सेप्शनल रिकॉर्ड रखते हैं। बाकी वेस आगर भी है सिक्स्थ हाईएस्ट विकेट टेकर, जो कि 19 इनिंग में 28 विकेट इस पर्टिकुलर वेन्यू में निकाल चुके हैं। दोस्तों इस साल बिग बैश के दो मैचेस ना इस पर्टिकुलर वेन्यू पे ऑलरेडी खेला जा चुका है जहाँ पे दोनों बार ही बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीते हैं। यहाँ पे 150 का टारगेट चेज नहीं हुआ, यहाँ पे 209 का टारगेट तो चेज हुआ ही नहीं। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट तो सेकेंड इनिंग में 7 विकेट मिला था, स्पिनर्स को दोनों इनिंग में 2-2 विकेट मिले थे। यहाँ पे पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट तो सेकेंड इनिंग में 5, स्पिनर्स दोनों इनिंग में 3-3 विकेट निकाले थे। तो देख सकते हैं पेसर्स एंड स्पिनर्स का रेशियो, यहां पे टोटल 15 विकेट पेसर्स को तो यहां पे टोटल 4 विकेट स्पिनर्स को मिले थे, यहां पे टोटल 9 विकेट पेसर्स को तो टोटल 6 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। दोस्तों ये मैच खेला जाएगा आज दोपहर के 1:45 पे और इस मैच का फाइनल अपडेट आएगा हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल पे। तो फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काइंडली हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे जो एरो वाला बटन आपको दिख रहा है ना दोस्त, वहाँ पे जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन लिंक्स पे क्लिक करके ही आप हमारे साथ हमारे ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल्स के साथ जुड़ जाएं। दोस्तों बात करेंगे सिडनी थंडर टीम के बारे में, जो कि फिलहाल 6th पोजीशन पे है, 6 में से 3 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं। फर्स्ट मैच था ब्रिस्बेन हीट के सामने, काफ़ी कंफर्टेबली चेस करते हुए जीते थे। एलेक्स हेल्स का अब तक परफॉर्मेंस नहीं आया है, सैम वाइटमैन 21 किए थे उस मैच में, मैथ्यू गिलक्रिस्ट 20 किए थे, बिलिंग्स एंड रॉस टीम को जीत दिलाए थे। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डैनियल सैम्स का रिकॉर्ड हमेशा से अच्छा रहा है, गुरविंदर संधु 2 विकेट निकाले थे, तनवीर सांगा का 1 विकेट, मैकेंड्रू ओवर्स में आके 2 विकेट निकाले थे। इनके नेक्स्ट मैच में मेलबोर्न स्टार्स के सामने ये 166 का टारगेट चेज नहीं कर पाए थे, जहां पे टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ था। मैथ्यू गिलक्रिस्ट 56 तो बिलिंग्स 43 करके संभाले थे, डैनियल सैम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गए थे। बॉलिंग सेक्शन से तानवीर सांगा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किए थे 2 विकेट के साथ, नैथन मैकेंड्रू का 1 विकेट रहा था।
यहाँ पे दोस्तों वही रिमैच था मेलबॉर्न स्टार्स के साथ, जहाँ पे मेलबॉर्न स्टार्स के सामने इन्होंने फिर से डिफीट का सामना किया। एलेक्स सेल्स 28 बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी अच्छे किए हैं, सैम वाइटमैन कुछ खास नहीं किए हैं, बिलिंग्स कुछ खास नहीं कर पाए, बट एलेक्स रॉस 77 का तूफानी पारी खेले थे। कब? वाइल्ड बैटिंग फर्स्ट, ये बात आपको ध्यान रखना है। बेन कटिंग का एक विकेट, बोलिंग सेकेंड करते हुए डैनियल सैम्स कुछ खास नहीं कर पाए हैं, तानवीर सांगा का फिर से दो विकेट रहा है वाइल्ड बोलिंग सेकेंड, एंड मैकेंड्रू का एक विकेट रहा था। नेक्स्ट मैच में सिडनी थंडर आया ब्रिस्बेन हीट के सामने, 197 का टारगेट काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड किए थे। अगेन बैटिंग फर्स्ट करते हुए एलेक्स सेल्स का काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिला था, बट ये टारगेट को कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। बाकी मैथ्यू गिलकिस 28 किए थे, जेसन सांगा को फर्स्ट मैच खिलाया गया था 39 किए थे, सैम बिलिंग्स वाइल बैटिंग फर्स्ट 64 किए थे, डैनियल सैम्स का एक विकेट वाइल बोलिंग सेकेंड, बेन कटिंग 8 रन, शाकिब महमूद इस मैच में फर्स्ट टाइम खेले थे 4 विकेट निकालने में सक्षम रहे थे, तानवीर सांगा वाइल बोलिंग सेकंड 3 विकेट निकाले थे। जब बात आया डिफेंडिंग चैंपियंस के अगेंस्ट खेलने का और जीतने का, वहाँ पे 169 का टारगेट इनसे चेज नहीं हुआ। एलेक्स सेल्स वाइल बैटिंग सेकंड कुछ खास हमेशा से नहीं कर पाते हैं, मैथ्यू गिलकिस 14, तो जेसन सांगा फिर से अच्छा परफॉर्मेंस किए अपने कंटिन्यूस सेकंड मैच में, जहाँ पे 47 का पारी खेला इन्होंने, सैम बिलिंग्स 9, तो एलेक्स रॉस 16 कुछ खास नहीं कर पाए थे, डैनियल सैम्स 28 रन और दो विकेट कब आया वाइल बोलिंग फर्स्ट, नैथन मैकेंड्रू विकेटलेस गए थे, ग्रीन का एक विकेट, तो तानवीर सांगा का कोई विकेट नहीं रहा था। दोस्तों इनका लास्ट मैच ये पर्थ स्कॉर्चर्स के सामने जीत के आ रहे हैं, जहां पे 201 का टारगेट इन्होंने कंफर्टेबली डिफेंड किया था। मैथ्यू गिलकिस एंड एलेक्स हेल्स को कुछ खास स्टार्ट नहीं मिला था, बट मिडिल ऑर्डर में आके जेसन सांगा एंड सैम बिलिंग्स काफ़ी अच्छे तरीके से पारी को संभाले थे। एलेक्स रॉस 6 रन किए थे, डैनियल सैम्स 10 रन, तो बेन कटिंग 10 रन नीचे आके पावर हिटिंग किए थे। बोलिंग से देखेंगे तो नैथन मैकेंड्री का 3 विकेट रहा था, क्रिस ग्रीन का 2 विकेट, शाकिब महमूद 2 विकेट निकाले थे और डैनियल सैम्स 1 विकेट निकाले थे। रहा इनका ऑफिशियल स्क्वाड इस पर्टिकुलर मैच के लिए, जहां पे आप देख सकते हैं क्रिस ग्रीन कैप्टनशिप करेंगे, सैम बिलिंग्स इनके विकेट कीपर बैटर, बेन कटिंग ओलिवर डेविस को स्क्वाड में इंट्रोड्यूस किया गया है, लास्ट ईयर ओलिवर डेविस इनके तरफ से ट्रम्प प्लेयर थे, ब्रेंडन डॉगेट भी है, मैथ्यू गिलकिस, एलेक्स सेल्स, शाकिब महमूद, नैथन मैकेंड्रू, एलेक्स रॉस, डैनियल सैम्स, गुरविंदर संधू, जेसन सांगा, तनवीर सांगा और सैम व्हाइटमैन भी आ गए हैं स्क्वाड में। दोस्तों प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर एंड प्लेयर रोल्स कुछ ऐसा होने वाले हैं, जहां पे एलेक्स सेल्स के साथ मैथ्यू गिलकिस राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन ओपनिंग करेंगे, जेसन सांगा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं नंबर 3 पे, बिलिंग्स भी वाइल बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा अच्छा करते हैं, फिर एलेक्स रॉस आ जाते हैं अगर कोलैप्स हुआ तो नीचे आके संभालेंगे, फिर डैनियल सैम्स, फिर बेन कटिंग, शाकिब महमूद, तानवीर सांगा, क्रिस ग्रीन एंड नैथन मैकेंड्रू। दोस्तों पावर प्ले में इनकी तरफ से डालेंगे शाकिब महमूद, डैनियल सैम्स, नैथन मैकेंड्रू एंड कुछ हद तक टीम के कैप्टन क्रिस ग्रीन भी डाल सकते हैं अगर सामने लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हुए तो। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स के टॉप जो 3 बैटर्स हैं ना, उनमें से 2 लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, तो यहाँ पे क्रिस ग्रीन का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है पावर प्ले में। बाकी डेथ ओवर्स में डैनियल सैम्स, मैकेंड्रू एंड शाकिब महमूद डालने वाले हैं। दोस्तों बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स के बारे में, तो इन्होंने इस साल 6 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 1 जीते हैं और 5 हारे हैं। फर्स्ट मैच था इनका रेनेगेड्स के सामने, सिर्फ 2 रन से मैच को हार गए थे। जेक वेदरलैंड 18 किए थे, मैथ्यू शॉट 29 रन और 1 विकेट, हैरी निल्सन नंबर 3 पे खेलते हुए 30 किए थे, जोनो वेल्स 8 रन किए थे, गिब्सन 8 रन किए थे, यहाँ पे गार्टन का 2 विकेट रहा था जो कि बैटिंग एंड बोलिंग से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वेस अगर इस साल कुछ खास नहीं कर पाए हैं, राशिद खान 1 विकेट, पीटर सिडिल वाइल बोलिंग फर्स्ट 3 विकेट निकाले थे, डैनियल वॉरेल वाइल बोलिंग फर्स्ट 2 विकेट निकाले थे। सेकेंड मैच दोस्तों इनका इसी ग्राउंड पे था, जहाँ पे इन्होंने रेनेगेड्स को सिर्फ 100 रन पे ही ऑल आउट कर दिए थे। जेक वेदरलैंड 11, तो मैथ्यू शॉट 32 किए थे, 2 ओवर बोलिंग भी किए थे, हैरी निल्सन फिर से नंबर 3 पे आए थे, जोनो वेल्स 37 किए थे वाइल बैटिंग फर्स्ट, बाकी यहाँ पे देखेंगे गार्टन का 19 रन और 1 विकेट, वेस आगर वाइल बोलिंग सेकेंड 3 विकेट निकाले थे इस मैच में, राशिद खान 13 रन और 2 विकेट निकाले थे, अगेन इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे बोलिंग सेकेंड करते हुए राशिद खान का कोई जवाब है ही नहीं, पीटर सिडिल का 1 विकेट रहा था एंड डैनियल वॉरेल 2 विकेट निकाले थे।
जब बाड़ी आया पर्थ स्कॉर्चर्स के सामने खेलने का, इनका एक भी नहीं चला, 146 पे ही ऑल आउट हो गए। मैथ्यू शॉट 63 किए थे वाइल बैटिंग सेकंड। जे वेदरलैंड 17, हैरी निल्सन 9, जेक वेल्स यहाँ पे 6 रन किए थे। टी केली को मौका मिला था जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं नंबर 5 पे आके, मुझे लगता है इनको ऊपर भेजना चाहिए नंबर 3 नंबर 4 पे, ताकि और भी ज़्यादा बॉल्स ये खेल पाए। बाकी राशिद खान विकेटलेस गए थे, काफ़ी एक्सपेंसिव भी। पीटर सिडिल भी काफ़ी एक्सपेंसिव गए थे यहाँ पे, फवाद अहमद भी एक्सपेंसिव गए थे, वेस आगर भी काफ़ी एक्सपेंसिव गए थे। नेक्स्ट मैच में सिडनी सिक्सर्स के सामने इन्होंने 148 का टारगेट रखा था जो कि डिफेंड नहीं कर पाए थे। मैथ्यू शॉट 16 रन्स किए थे, जे वेदरलैंड फिर से फ्लॉप। मैट रेनशॉ यहाँ पे आ गए थे नंबर 3 पे, 24 किए थे। जे वेल्स 32 किए थे। टी केली, जैसा कि मैं बोल रहा था, ये काफ़ी अच्छे कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं नंबर 5 पे। गार्टन 11 रन और 2 विकेट कब आया वाइल बोलिंग सेकेंड। राशिद खान 3 विकेट कब आया वाइल बोलिंग सेकेंड, ठीक है। डैनियल वॉरेल विकेटलेस, पीटर सिडिल वाइल बोलिंग सेकेंड उतना कुछ खास इफेक्टिव नहीं रहते हैं। फवाद अहमद का 1 विकेट रहा था। नेक्स्ट मैच में ब्रिस्बेन हीट जैसे वीक बैटिंग ऑर्डर के सामने भी इनका बोलिंग नहीं चला, 208 रन बनवा दिए थे जिसको वो खुद चेज नहीं कर पाए। मैथ्यू शॉट 14 किए थे यहाँ पे, मैट रेनशॉ 22 किए थे, जेक वेल्स 55 किए थे यहाँ पे। टी केली का 27 अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा था। राशिद खान 3 विकेट निकाले थे और यहाँ पे वेस आगर 2 विकेट निकालने में सक्षम रहे थे। पीटर सिडिल वाइल बोलिंग फर्स्ट 2 विकेट निकाले थे दोस्त। इनका लास्ट मैच ये हुबर्ट हरिकेन्स के सामने बहुत बुरी तरीके से हार के आ रहे हैं, जहाँ पे 176 का टारगेट ये डिफेंड नहीं कर पाए थे। मैथ्यू शॉट 2 रन किए थे और 1 ओवर डाले थे। जे वेदरलैंड लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे थे, 51 किए थे। मैट रेनशॉ 63 किए थे। यहाँ पे टी केली का फिर से नंबर 5 पे परफॉर्मेंस है। यहाँ पे राशिद खान का 1 विकेट, गार्टन का 1 विकेट, पीटर सिडिल विकेटलेस गए थे, वेस आगर काफ़ी एक्सपेंसिव गए थे और यहाँ पे फवाद अहमद भी विकेट निकालने में सक्षम नहीं रहे थे। दोस्तों अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इन्होंने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं किए हैं ऑफिशियली, तो मैं मान के चल रहा हूँ इनका लास्ट मैच का स्क्वाड ही इस मैच में खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर एंड प्लेयर रोल्स आप देख लेंगे, तो मैथ्यू शॉ राइट हैंडेड बैटर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बोलर, जेक वेदरलैंड के साथ ओपनिंग करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, फिर मैट रेनशॉ आएंगे नंबर 3 पे, जे वेल्स आएंगे नंबर 4 पे, टी केली हैरी निल्सन यहाँ पे, गार्टन फिर राशिद खान, पीटर सिडिल आएंगे टीम के कैप्टन, फवाद अहमद एंड वेस आगर। दोस्तों यहां पे पावर प्ले में शॉर्ट गार्टन वेस आगर एंड पीटर सिडिल डालने वाले हैं। डेथ ओवर्स में पीटर सिडिल राशिद खान गार्टन एंड वेस आगर डालते हैं। दोस्तों यहां पे वेस आगर के जगह ना डैनियल वॉरेल को भी खिला सकते हैं, दोनों ही राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में कि लास्ट 5 जो हेड टू हेड मैचेस इन दोनों टीम्स के बीच में खेले गए हैं, वहाँ पे थंडर्स ने 3 मैचेस जीते हैं, स्ट्राइकर्स सिर्फ 1 ही मैच जीत पाए हैं और नो रिजल्ट 1 रहा था। अब देखते हैं बेस्ट परफॉर्मर कौन कौन रहते हैं जब इन दोनों टीम्स के बीच में हेड टू हेड मैचेस हुआ है। देखिए जे वेदरलैंड सीधे ग्रैंड लीग के कैप्टन बना देना है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करते हुए 80 नॉट आउट 31-42 काफ़ी बेहतरीन पारी खेले हैं 3, एंड बैटिंग सेकंड करते हुए 152 का भी पारी खेले हैं। तो ज़रूर से जे वेदरलैंड को एज अ ट्रम्प पिक आप कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हैं। जे वेल्स स्पेशली बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा अच्छा किए हैं, बैटिंग सेकंड में भी कुछ बुरा रिकॉर्ड नहीं रहा है। डैनियल वॉरेल का उतना खास हेड टू हेड रिकॉर्ड है भी नहीं और मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में मौका भी मिलेगा। पीटर सिडिल वाइल बोलिंग फर्स्ट 2-2 विकेट निकाले हैं 2 बार, बोलिंग सेकंड में 1 बार 0 विकेट तो 1 बार 2 विकेट। वेस आगर का कुछ खास हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0 विकेट 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। राशिद खान यहाँ पे बोलिंग फर्स्ट करते हुए और बैटिंग सेकंड करते हुए 1 विकेट और 40 रन और 1 विकेट किए हैं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दिए हैं सिडनी थंडर के सामने। यहाँ पे मैट रेनशॉ का कुछ खास हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं रहा है, बैटिंग सेकंड करते हुए 6 रन किए हैं, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 0 रन। मैथ्यू शॉट 0 रन 0 विकेट यहाँ पे 7 रन किए हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए। थंडर का देखेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो एलेक्स हेल्स आपको दिखेंगे बैटिंग सेकेंड करते हुए 163 नॉट आउट 11 नॉट आउट और बैटिंग फर्स्ट करते हुए 159 किए हैं। तो बैटिंग फर्स्ट में भी परफॉर्मेंस है, बैटिंग सेकेंड में भी परफॉर्मेंस है, ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन और कैप्टन। सैम बिलिंग्स यहाँ पे
6 रन किए हैं बैटिंग सेकंड करते हुए। सैम बिलिंग्स का हमेशा से बैटिंग फर्स्ट करते हुए रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा होता है। एलेक्स रॉस 18 किए हैं, 12 और 19 किए हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए और 18 बैटिंग सेकंड, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सिडनी थंडर का इनिशियल कोलैप्स होगा तो एलेक्स रॉस को उस पर्टिकुलर ग्रैंड लीग के टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर से बना सकते हैं। डैनियल सैम्स 10 रन और 3 विकेट, 2 विकेट कब आया, बॉलिंग सेकंड करते हुए, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए भी 2 विकेट है। तो बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, बंदा इस पर्टिकुलर ओपोनेंट के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा किया है, कैप्टन बनाने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। बेन कटिंग 24 किए हैं, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। क्रिस ग्रीन का भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। तानवीर सांगा दोनों बार ही बॉलिंग फर्स्ट किया है, एक बार 1 विकेट तो एक बार 0 विकेट। नाथन मैकेंड्रू ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिए हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 1 विकेट और 17 रन और 1 विकेट, हालांकि बॉलिंग सेकेंड में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है। दोस्तों वीडियो में दिया गया स्टैट्स एंड एनालिसिस अगर आपको अब तक पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक से हमारे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में सैम बिलिंग्स आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे मैथ्यू गिलकिस। मैथ्यू गिलकिस ओपनिंग तो कर रहे हैं तो ग्रैंड लीग के बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए बन जाएंगे, बाकी फिलहाल के लिए स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन अगर आप बना रहे हैं तो सैम बिलिंग्स को ही ट्राई कीजिएगा। बैटिंग सेक्शन में एलेक्स हेल्स आपके मस्ट पिक में आ जाते हैं, बाकी एलेक्स रॉस को आप ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं नहीं करूँगा, काफ़ी नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर मैट रेनशॉ को आप ट्राई कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पे। जेक वेदरलैंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं इस पर्टिकुलर वेन्यू पे, प्लस हिट टू हेड रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। दोस्तों यहां पे जे विल्स स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए मैं ट्राई करूंगा, फिलहाल के लिए मैंने नहीं लिया है। अगर टॉस के बाद मुझे दिखेगा कि एडिलेड स्ट्राइकर्स बैटिंग फर्स्ट कर रहा है तो जे विल्स मेरे टीम का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिक्स होने वाले हैं। दोस्तों यहां पे ओलिवर डेविस ऐड हो चुके हैं, बाकी यहां पे देखेंगे तो टी केली जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यहां पे 17% का सिलेक्शन है ग्रैंड लीग के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिक्स मेरे हिसाब से। बाकी जेसन सांगा जिस तरीके से नंबर 3 पे आके कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं मेरे टीम के मस्ट पिक में आ जाएंगे। बाकी दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में मैथ्यू शॉर्ट आप ले सकते हैं, स्पेशली बैटिंग सेकंड करते हुए ज़्यादा अच्छा करते हैं। डैनियल सैम्स बेन कटिंग को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, उतना ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और बैटिंग के लिए काफ़ी नीचे आ रहे हैं। दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में ना राशिद खान हमारे टीम के मस्ट पिक में आ जाएंगे। पीटर सिडल को हम ज़रूर से ट्राई करेंगे जो कि दोनों इस ग्राउंड पर हाइएस्ट और सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर हैं। यहाँ पर बॉलिंग से ना शाकिब महमूद को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा ऐसे पेस फ्रेंडली पिच पर। यहाँ पे गार्टन को मैं ज़रूर से ट्राई करने का कोशिश करूँगा जो कि बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए मेरा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनने वाले हैं। यहाँ पे मैं मैट रेनशॉ एंड जे वेदरलैंड दोनों को ट्राई किया हूँ जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं। इनके सामने सीधे सीधे आ सकते हैं थंडर टीम के कैप्टन क्रिस ग्रीन जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, एंड दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को ही आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रेनशॉ के जगह सीधे सीधे जे विल्स को ट्राई कर लीजिएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये चेंज मैं कर सकता हूँ टॉस के बाद, फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे डैनियल सैम्स मेरे कैप्टन होने वाले हैं। वाइस कैप्टन मैं राशिद खान को दूंगा या फिर गार्टन को दूंगा इस पर्टिकुलर मैच में। गार्टन थोड़ा बहुत बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं, अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है तो पीटर सिडल को आप एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे कुछ ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों ग्रैंड लीग पिक नंबर 1 वेस अगार्ड जो कि इस ग्राउंड पे 6th हाईएस्ट विकेट टेकर है, सिर्फ 12% का सिलेक्शन है, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। इस साल ऑन ऑफ परफॉर्मेंस किए हैं, हालांकि काफ़ी कंसिस्टेंट बॉलर हैं तो ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हैं। लास्ट मैच में उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रिस ग्रीन सामने दो लेफ्ट हैंडेड बैटर्स होंगे और इनके टॉप जो 5 से 6 बैटर्स हैं ना उनमें से 3 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं। तो क्रिस ग्रीन को इस मैच में आप ट्राई कर सकते हैं स्पेशली बॉलिंग सेकेंड करते हुए। फवाद अहमद वाइल बॉलिंग सेकेंड इस पर्टिकुलर पिच पे कोई भी लेग स्पिनर काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तानवीर सांगा बहुत इंपॉर्टेंट पिक, स्पेशली अगर थंडर का टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग डालते हैं तो, क्योंकि हमने देखा है एडिलेड स्ट्राइकर्स का जो बैटिंग है ना उतने कंसिस्टेंटली क्लिक नहीं किया है एक दो बैटर्स के अलावा। तो यहाँ पे तानवीर सांगा मिडिल ऑर्डर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं।
बैटिंग सेक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया टी के लिए 17% का सिलेक्शन कंसिस्टेंटली 25 से 35 रन आपको बना के दे रहे हैं, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जे वेल्स तो 65% सिलेक्शन है ही, एलेक्स रॉस 42% का सिलेक्शन। अगर आपको लगता है कि थंडर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा तो एलेक्स रॉस को आप सीधे सीधे उस पर्टिकुलर ग्रैंड लीग के टीम में वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिख जाएगा मैथ्यू गिलक्रिस्ट ओपनिंग कर रहे हैं, गलती से भी चल गए तो 45 से 50 रन तो कहीं नहीं गए, प्लस स्ट्राइक रेट का भी पॉइंट्स आपको देंगे, काफ़ी अटैकिंग खेलते हैं, बाकी जो कैचिंग पोजीशंस होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं, तो बहुत सारे एडवांटेज है मैथ्यू गिलक्रिस्ट को ट्राई करने का ग्रैंड लीग में, तो ज़रूर से एक दो टीम में ट्राई कीजिएगा। दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, हो सके तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट मैच आपको किस टॉपिक में चाहिए।